अपने मकसद की तरफ आते हैं, और उसके लिए किसी भी अदबी प्रोग्राम के लिए एक सदर की ज़रूरत होती है। तो आज के हमारे सदर जनाब एहसान शाहिद साहब हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, बहुत प्यारे इंसान, शायर, अदीब, और पी टी वी के साथ उन्होंने 5 साल पूरा काम किया है। जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, कालम नगार हैं, और नसर भी बहुत अच्छे लिखते हैं। लंदन से तशरीफ लाए हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जनाब एहसान शाहिद साहब के आज की मैं वैसे तो आम इंसान जिंदगी में एक दफा बुढ़ा बनता है, लेकिन शायर को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जितनी किताबें लिखेगा उतनी दफा ही वो बुढ़ा बनेगा। और फिर शायर भी बात मार दी, जमीर तालब साहब, अली अरमान साहब और मोहम्मद अदरीस साहब, ये सारे बड़े लोग इस महफिल में मौजूद हैं। वो इस चीज का सबूत है कि वो एक मोहर सब्त करना चाहते हैं कि अब्दुल गफूर कश्ती नई नस्ल का एक नुमाइंदा शायर है, जिनको हम दुनिया के किसी हिस्से में बड़े फख्र के साथ पेश कर सकते हैं। जनाब अब्दुल गफूर कश्ती साहब, आज की मैं लंदन से तशरीफ लाए हैं, बहुत प्यारे दोस्त, कई किताबों के मुसन्निफ, और एक जमाने से मैं उनको जानता हूं, बहुत प्यारे इंसान हैं, कारवान अदब चैनल और उर्दू टाइम टीवी, जो हम पिछले कोरोना में 1 साल 1 महीने से चला रहे हैं, उसकी तैयारी में भी इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब बहुत प्यारे भाई, दोस्त, शायर अली अरमान से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। दुनिया में शायरी में आप मेरे ख्याल में चंद ही नकार पाती, मैंने देखा है कि डॉक्टर सलीम अख्तर साहेब, वजीर आगा साहेब, डॉक्टर अनवर सदीर साहेब, वो लोग मौजूद थे उसी दौर के, और आप भी जिंदा हैं, और वो किसी को माफ भी नहीं करते। तो अगर एक बड़ा नकाब, वक्त का बड़ा नकाब जिनका नाम सफर इकबाल है, वो किसी को एक अच्छा शायर मानता है, तो वो जमीर तालिब है। मेरी दरख्वास्त है जमीर तालिब साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बहुत प्यारे दोस्त, ख्वातीन हजरात, एक दरख्वास्त है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो पहला हिस्सा है हमारा किताब का बड़ा मुख्तसर है, और इस फंक्शन, इस किताब के फंक्शन को मेरे ख्याल में 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और तो इसलिए आप घबराएं मत, ये ना समझिएगा कि जितने स्टेज पर लोग आ रहे हैं वो सारे तबसरा करेंगे या लिखेंगे, उन्होंने लिखा है, एक वो लिख कर हमें पेश करेंगे, तो हम अब्दुल गफूर कश्ती के हवाले से एक किताब तरतीब देंगे जिसमें सभी लोगों के, दोस्तों के मज़ामीन होंगे। बहुत प्यारे दोस्त, तलक जनूबी पंजाब से है, वो 2-3 जुबानों में शायरी भी करते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। आज से कोई 15 साल पहले जब वो बरतानिया में तशरीफ लाए तो मुझे फ़ोन आया
कि भाजी मैं आ गया वहां। मैं क्या भाई 10 साल बैठा रहा, पहले अपने आप को सेट कर। तो 10 साल के बाद ये जवान आया और उसने बताया कि मैं शायर हूँ और सब ने उनको माना। मेरी मुराद है, बहुत प्यारे दोस्त मेरे भाई मनान कदीर साहब से कि वो स्टेज पर थे। शायरी करना और शायरी में हम्द और नात लिखना कोई आसान काम नहीं होता है, और फिर उस पर जमे रहना और एक खातून होना और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी, इन सब चीज़ों को देखते हुए। लेकिन एक बात मुझे याद आ गई कि पिछले हफ्ते ही चंद दिन पहले इनके बेटे की शादी भी हुई है। तो आप मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से अपनी बहन समीया नाज साहबा से मुबारकबाद हो आपको, और आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उर्दू जुबान पाकिस्तान इंडिया पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और यूरोप में खास तौर पर जो अभी डेरे हैं इसमें कोई शक नहीं कि बरतानिया उसमें कदीम तरीन भी कह सकते हैं। लेकिन बरतानिया के बाद जिस मुल्क में मेरे अपनी जिंदगी के 40 साल हो गए हैं, तो उस तजर्बे से जो दूसरा बड़ा गढ़ यूरोप में है वो नॉर्वे है, और वहाँ के एक और पूरे यूरोप के और बहुत अच्छे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे शायर जो आज तशरीफ लाए हैं, ख़ास तौर पर मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जनाब तशरीफ लाए मोहम्मद अदरीस साहब ओस्लो नॉर्वे। मेरी दरख्वास्त है चेयरमैन कारवा ने इधर चौधरी सिकंदर नवाज साहब से कि ये मुर्शद भी हैं अब्दुल गफूर कश्मी के, तो कश्मी ने कहा कि अगर मुर्शद नहीं साथ में बैठेंगे तो मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा। जनाब चौधरी सिकंदर नवाज, वैसे तो वो इब्तदा तो उनकी कारवाने अदब से ही थी, बहुत अच्छी शायरा हैं, 13 से ऊपर किताबों की मुसन्नफा हैं, वाइस प्रेसिडेंट कारवाने अदब हैं, और बहुत अच्छी मेरी बहन नगमाना कमल शेख साहबा से है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुर्शद हो साथ में तो मुर्शद के साथ एक और भी मुर्शद की जरूरत होती है, क्योंकि मुर्शद का भी कोई मुर्शद हो सकता है, ये रास्ता तो ऐसे ही चलता है। और आज की महफिल के ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, साहब सदर खदर खाल, खुद खाल को देखें, अब्दुल गफूर कश्मी को देखें, उसके दिन को देखें, उसकी रातों को देखें, तो ज़्यादातर लग रातों का ही है। रातों को जागता है, शायरी करता है। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा
साबिर सदर की इजाज़त से कि अब्दुल गफूर कश्ती हमा वक्त और हमा जहर शायर है और मेरे ख्याल में इसमें एक तफसील आ जाती है अगर आप समझने वालों के लिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल गफूर कश्ती आपको खद खाल नई किताब के हवाले से। ये आपकी तीसरी किताब है और एक और बात बताते जाए खवातीन हजरात, मज़ा तब है कि आपकी शायरी बरतानिया में बैठकर आप उर्दू लिखें, उर्दू शायरी करें और फिर उसका तर्जमा कलकत्ता में एक बहुत बड़ा पब्लिशर करें, तो ये एजाज़ है अब्दुल गफूर कश्ती का कि उनकी किताब पहली किताब ख्वाब मेरी जागीर हुए का हिंदी में तर्जमा हुआ और मेरी तरफ से समझा। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मनान कदीर साहब से कि वो अब्दुल गफूर कश्ती की शायरी पर अपने ख्याल करे साहब को। मनान कदीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाबे गरामी, क्योंकि अभी मुशायरा भी है, सिर्फ एक दो मिनट लूंगा। शायर ने कहा था कि शहर के लोगों तुम क्या जानो, शहर तो बंजर होते हैं। शहर के लोगों तुम क्या जानो, शहर तो बंजर होते हैं और सहराओं में बसने वाले लोग समंदर होते हैं। अब्दुल गफूर कश्ती साहब की शायरी पढ़कर जिस चीज का ज्यादा एहसास कारी को सबसे पहले होता है, इनके हर शेर में कारी को अपनी ही बात महसूस होती है और किसी भी अच्छे कलमकार के लिए ये उससे बड़ी क्या खूबी उसमें होगी कि उसकी कलम से, उसके कलम से निकले हुए हर्फ और लफ्ज जब वो जुमले बनते हैं, अशार का रूप धारते हैं, सामईन तक पहुंचते हैं तो लोग उसमें अपने जज्बात ढूंढते हैं और वो जज्बात अगर किसी को मिल जाए तो वो होती है अब्दुल गफूर कश्ती की शायरी। अब आखिर में मैं सिर्फ कश्ती साहब के दो शेर आपकी समातों की नजर करूंगा कि कैसे कैसे ढब में खुद से लड़ता हूं, कैसे कैसे ढब में खुद से लड़ता हूं, जब भी खुल के हंसता हूं रो पड़ता हूं। और शेर देखिएगा कि तुम भी झूठे वादे लेकर आओगे, तुम भी झूठे वादे लेकर आओगे, मैं भी कोई झूठा किस्सा करता हूं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ। हजरात, अब मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब समीर तारक साहब से कि वो अपने ख्याल का इजहार सुनाएं। किसी शायर का दोस्त होना ये बजाय खुद एक मसला होता है। अगर आप ज़्यादा तारीफ करेंगे तो लोग कहेंगे दोस्ती निभाई जा रही है, तो कहीं कोई तंकीद करेंगे तो कहेंगे कि वो जैसी है। हकीकी बात यह है कि गफूर कश्ती की वजह से हमारे इलाके में कम से कम शेर और शायरी की रवायत जिंदा है। जब मैं नॉर्वे से आज से 8-9 वर्ष पहले यहाँ आया था तो मैंने इर्द गिर्द तलाश किया तो मुझे पंजाबी का एक शेर मिला। मुझे पता चला कि यहाँ लिखने वाला बंदा है, वो पंजाबी का शेर जो मल्टी डायमेंशनल है, ये मेरे भी कुछ पल्ले होता मैं उससे कुछ पल्ले होता। ये गफूर कश्ती का वो शेर है जिससे पता चलता है कि इसमें शेर कहने की, ये मेरे भी कुछ पल्ले होता मैं उत्ते तू थल्ले होता। यानी ये एक इत्तेजाज है सरमाया से, सरमायादारों से और हर सतह पे जो कुचले जा रहे हैं जो लोग, उनकी जानिब से उनकी आवाज़ बनना। और कश्ती के बहुत सारे शेर मैं सुना सकता हूँ जो मुझे खुद पसंद हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उसकी तीसरी किताब आ चुकी है। तो किताब के हवाले से ज़्यादा बातें इसलिए भी नहीं कर सकता कि अभी तक मुझे किताब नहीं मिली, लेकिन क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें मैं किताब से पहले भी पढ़ चुका हूँ, वो हम सुनते सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, तो मैं उसके चंद अशआर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा।
उसकी किसी मिसाल में अब मैं नहीं रहा, उसकी किसी मिसाल में अब मैं नहीं रहा, वो जिसके माहो साल में अब मैं नहीं रहा, वो जिसके माहो साल में अब मैं नहीं रहा, हैरत ज़दा हूँ आईने के इंकशाफ पर। शेर देखिएगा, हैरत ज़दा हूँ आईने के इंकशाफ पर, अपने ही कदो खाल में अब मैं नहीं रहा, अपने ही कदो खाल में अब मैं नहीं रहा। यकीनन इसी शेर से उन्होंने किताब का नाम भी हस किया है। मुझको नबीद दे न तू अपने विसाल की, मुझको नबीद दे न तू अपने विसाल की, इस हिजर के मिलाल में अब मैं नहीं रहा। कश्फी पलट के देखना कितना मुहाल है, कश्फी पलट के देखना कितना मुहाल है, दुनिया की भेड़ चाल में अब मैं नहीं रहा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, कश्मीर के शायर उनकी बातें भी सुनेंगे। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ लंदन से तशरीफ लाए हुए जनाब अली अरमान साहब से कि वो अपने ख्याल का इजहार सुनाए। आप सब ख्वातीन हज़रात की खिदमत में मेरा सलाम। ख्वातीन हज़रात, आज का जो महीना चल रहा है बुनियादी तौर पर ये सोगवारी के दिन है, मातम के दिन है। बतौर मुसलमान हमारा ताल्लुक किसी भी चाहे फिरके से हो तो हम इन दिनों में अपनी ज़ाती खुशियाँ या तो तर्क कर देते हैं या उन्हें मुलतवी कर देते हैं। लेकिन आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो हमारा ज़ाती मकसद नहीं, वो एक मिली और कौमी मकसद है। इसलिए मेरे ख्याल में ये बजा है और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं करवाने अदब वाले, इन्होंने कौमी हवाले से आज जो तकरीब का इनेकाद किया तो उसमें हम चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहें, हमारा दिल सियासत और ये जो झगड़े हैं इनसे मावरा होकर हमारे अपने वतन के लिए धड़कता ज़रूर है। अगर सारा साल ना भी धड़के तो कम अज़ कम 14 अगस्त को ज़रूर धड़कता है। तो हम इस वतन पर जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमें 27 रमज़ान को अदा किया गया, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आज जमा हैं। और इस वतन की बुनियादी जो एक कौमी लड़ी में परोने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। और उर्दू के वो शायर जो हैं वो कश्फी साहब हैं, लिहाजा ये एक आपस में लिंक है। तो कश्फी साहब की किताब जो है वो मुझे बहुत देर से मिली, तो जैसे सब दोस्तों के ने कहा कि ज़ाहिर है कि उसमें इजहार से बंदा उस तरह मुफसल इजहार से कासिर होता है ना, उसका ये वक्त है। तो मैं सिर्फ आपको कश्मीर साहब के कुछ जो दो चार शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उनसे वादे के साथ के मजमून जो है वो मुझ पे उधार है और वो मैं उनको लिख के उनकी खिदमत में पेश करूँगा। तो उनको उनकी किताब की अशात पर मुबारक और उनके कुछ शेर सुन लें जो मैंने किताब की अभी वर्गर्दानी की तो जल्दी में पहली किरत में जो मुझे अच्छे लगे। अब मैं हर जबर को आराम से सह सकता हूँ, अब मैं हर जबर को आराम से सह सकता हूँ, सब्र का जहर मुझे इतना पिलाया गया है। अब मैं हर जबर को आराम से सह सकता हूँ, सब्र का जहर मुझे इतना पिलाया गया है। वो भी दिन थे कि मुझे घर भी मुयसर नहीं था, अब मेरे नाम पे एक शहर बसाया गया है। वो भी दिन थे कि मुझे घर भी मुयसर नहीं था, अब मेरे नाम पे एक शहर बसाया गया है। हमने आकर एक रिवायत डाली है, वरना तेरा शहर वफा से खाली है। तेरे छत पर गिरती बूंदें देखी तो मैंने अपनी छत पर धूप बिछा ली है। गुजर गए हैं जमाने, हवा नहीं आई, तुम्हारा हाल बताने हवा नहीं आई। कुछ और लोग भी अब इसकी जद में आएंगे, फकत हम ही को डराने हवा नहीं आई। कुछ और लोग भी अब इसकी जद में आएंगे, फकत हवा को डराने फकत हम ही को डराने हवा नहीं आई। ये मोहब्बत मुझे अजदाद से विरसे में मिली, ये मोहब्बत मुझे अजदाद से विरसे में मिली, क्या करूं और कोई काम नहीं कर सकता। रात तो खैर
तेरी और कहीं लिखी है, रात तो खैर तेरी और कहीं लिखी है, क्या कोई दिन भी मेरे नाम नहीं कर सकता। तो ये मुझे शायद जस्ता जस्ता आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनकी गजल की किताब वो पढ़ने के काबिल है, और उम्मीद है कि आप उसको खरीद के पढ़ेंगे, क्योंकि शायर की किताब को खरीद के पढ़ना चाहिए, मैं इसको ईमान रखता हूँ। इसके साथ ही आखिर मैं कारवाने अदब का जिक्र ना करना और उनके जो पिछले तीन दहाइयों में कारवाने अदब ने जो खिदमात अंजाम दी हमारे कौमी तशख्स को उजागर करने में, हमारी कौमी ज़ुबान को अदब के हवाले से जो इन्होंने एक तहरुक पैदा किए रखा, तो इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो अब उर्दू टाइम्स और कारवाने अदब जो है वो मिलजुल के ये तहरुक पैदा कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। हवादिनो हजरात, आप जनाब आज की महफिल के दुल्हा अब्दुल गफूर कश्मी साहब तीसरी दफा है। जनाब अब्दुल गफूर कश्मी साहब अपने ख्याल आपका भी इजहार फरमाएंगे और अपना कलाम भी पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सादर अला साहब, तायर चौधरी साहब, इनकी पूरी टीम और जो मोहब्बतों के सफ़ीर हमारे दोस्त लंदन से तशरीफ़ लाए, नॉर्वे से तशरीफ़ लाए, बल्कि आप सबका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को तौलत बख्शी। तो साबर अदा साहब की मोहब्बतों का इसलिए इतराफ़ करता हूँ कि ये हर बार मेरी पजीराई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और मेरी तीसरी किताब की जो रुनमाई है ये आज इन्होंने इसी स्टेज पे, पहले भी दोनों किताबों की रुनमाई हो चुकी है, और आज अल्लाह के फजल करम से हद्दोकाल की रुनमाई है। तो चूंकि मुहर्रम हराम भी है उस हवाले से एक मिनट में एक ख़वातीनों हज़रात, मुहर्रम अहराम के मुहर्रम के हवाले से मेरी जो ख़ास हम जितने भी हमारे शुरा इकराम हैं, अगर उनके पास सलाम मरसिया कोई चीज़ पेश हो तो अपना कलाम गज़ल या नज़म सुनाने से पहले दो शेर एक कथा आप जरूर मुहर्रम के हवाले से सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दो शेर मुहर्रम के हवाले से कि हमारे आपके जो दरमियाँ उदासी है, हमारे आपके जो दरमियाँ उदासी है एक करबे मुसलसल रवां उदासी है, और यही कि माहे मुहर्रम है और आंखें नम, यही कि माहे मुहर्रम है और आंखें नम, गमे हुसैन है और बेकरां उदासी है। तो अब एक गजल के चंद शार कि सकून का गोशा बिलावजह खोजता हुआ मैं, सकून का गोशा बिलावजह खोजता हुआ मैं, सुलगती याद को मजगां पे रोकता हुआ मैं, और थकन से चूर बदन लेके किस तरफ जाऊं, थकन से चूर बदन लेके किस तरफ जाऊं, दियारे गैर की मट्टी से पूछता हुआ मैं, थकन से चूर बदन लेके किस तरफ जाऊं, दियारे गैर की मट्टी से पूछता हुआ मैं, और प्राय लोगों की पुरसिश पे कहता क्या आखिर, खुद अपने आप से कुछ भी न बोलता हुआ मैं, और बस एक सांस मुकम्मल हूँ जीने का कहां, जरूरतों के तले जी सोड़ता हुआ मैं, और तलब खतूत में अपनों की पढ़ के हंसता हूँ,
तलब खतूत में अपनों की पढ़ के हंसता हूँ, कमाए हाथ के छालों से तोलता हुआ मैं, कमाए हाथ के छालों से तोलता हुआ मैं। और एक ग़ज़ल के चंद अशआर, कि तेरे नाम की सभी तोहमतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी, तेरे नाम की सभी तोहमतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी, ये जहान भर की मुलामतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी। वो सफर के हद्दे निगाह तक नहीं मंजरों की खबर कोई, ये कदम कदम पे सऊबते मुझे मोहतरम तेरे बाद भी। और कभी लफ्ज थे तरफ आफरी, कभी हर्फ हर्फ था लोहागर, वो हकायतें वो शिकायतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी। और सरेरा कांटे पीछे पर है मुसाफरत का जनूब हुई, ये रहे वफा ये क़यामतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी। जो भी तलखियां थी गुजर गई, कहीं रास्ते में ही मर गई, वो तेरे लबों की हलावतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी। तुझे सोचना तुझे चूमना तेरे शहर भर में वो घूमना, तुझे सोचना तुझे चूमना तेरे शहर भर में वो घूमना, ये गए दिनों की हमाकतें मुझे मोहतरम तेरे बाद भी। और आज एक खुशी का मौका है, और खुशियों का इजहार तो हम ढोल की थाप पे भी कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया है मुहर्रम के एहतराम के हवाले से। अगर और 14 अगस्त की जश्न आज़ादी भी है, तो अगर हमसे कोई कोताही हो गई तो हम माजरत खा भी हैं। तो अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबे सदर जनाब एहसान शाह साहब से कि वो अपना सदारती खुतबा अता फरमाएं, और अब्दुल गफूर कश्ती के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाएं। जनाब एहसान शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस कायनात में जो कुछ नज़र आता है वो रब का है, और जो रब का है वो सबका है। चांद सूरज रब का है और ये हम सबका है। अब्दुल गफूर कश्ती साहब ने जो अपनी किताब के अंदर जो कुछ लिखा है वो इसी ही बात की तस्दीक है, और इसी बात की तरजीह है, और इसी बात को उन्होंने उजागर किया है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आपकी तीसरी किताब है, टाइम बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह कई किताबें आपकी और आएंगी कि वो तो बस एक शेर के साथ में, वो दूर आग नहीं रोशनी है मंजिल की, वो दूर आग नहीं रोशनी है मंजिल की, कदम बढ़ा के चलो और अलम उठाए चलो। ख़वातीन और हज़रात, मलक इसहाक साहब अगर मौजूद हों या आर्थर गिल, मैं मलक इसहाक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अब्दुल गफूर कश्ती की एक गज़ल पेश करें। जनाब मलक इसहाक साहब। ख़वातीन और हज़रात, ये पहला हिस्सा तो आपने खामोशी से मुकम्मल किया है, लेकिन दूसरे हिस्से में दरख्वास्त है शायरों को दाद भी दें। अगर आप दाद देंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से अपनी शायरी पेश कर सके। जनाब मलक इसहाक साहब। वंस अगेन, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द खास कश्ती साहब, इनकी जो भी ये किताब लिखते हैं तो हमारे पास तो पर्चा लीक हो जाता है ऑलरेडी, पहले आप तक लेट पहुंचता है। तो ये इनकी किताब के शुरू में इनकी हमदिया है कलाम, तो हमने इसका कोशिश की है। तो
तो पेश करते हैं। अभी हमारे डीजे आर्थर साहब थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये इन्होंने अपनी जिंदगी में ना जो इन्होंने दुआ लिखी है, इनमें कश्मीर साहब ने काफी दुआएं लिखी हैं इस कलाम में, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी पसंदीदा जो वो है वो खास शेर जो है, अल्लाह ताला इनको औलादे नौरीना से जो है वो अता फरमाए। तो गाऊं
दुआ दे मौला, एक सदा तू ही मेरे हक में सुना दे दे